आज हम डिस्कस करेंगे एक ऑस्ट्रेलियन साइंस फ्रिक्शन मूवी 2067 को लेकर। मूवी का थीम 2067 में सेट है, जब पृथ्वी डिस्ट्रॉय होने के कगार में है। लगभग सभी पेड़ जल के राख हो गए थे, इसी वजह से जितना ऑक्सीजन इंसानों को चाहिए वो पृथ्वी पर नहीं था। इंसानों को ऑक्सीजन खरीदना पड़ रहा था जिंदा रहने के लिए। पृथ्वी के 99% जगह में अंधेरा छाया हुआ था, लोग सफोकेट होके मर रहे थे। पर इसी बीच ऑस्ट्रेलिया की एक जगह इंसान जिंदा थे क्रॉनिकॉर्प कॉर्पोरेशन की वजह से, क्योंकि वो लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन तैयार कर सकते थे। हालांकि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन से भी दूसरी बीमारी हो रही थी। इथन नाम का एक लड़का उसके दोस्त जूट के साथ क्रॉनिकॉर्प कॉर्पोरेशन में काम करते थे। ये कॉर्पोरेशन रात दिन काम कर रहे थे इस बीमारी से बचने के लिए। इथन के वाइफ जैंथी भी इस बीमारी से जूझ रही थी, तो इथन किसी भी तरह से उसको अच्छा क्वालिटी का ऑक्सीजन लाके देता था। एक दिन जब इथन और जूड टनल में काम कर रहा था, तब रेजीना जैक्सन जो कि क्रॉनिकॉर्प कॉर्पोरेशन के बॉस थी, उन दोनों को अपनी ऑफिस बुलाती है और वो बताती है कि शायद आगे एक दो सालों में इस धरती से सभी इंसान का अस्तित्व मिट जाएगा और एकमात्र इथन ही सबको बचा सकता है। इथन कंफ्यूज हो जाता है, तब रेजीना उसको लेबोरेटरी लेकर जाती है। लैब का डॉक्टर बिली खुद को इंट्रोड्यूस करता है और इथन के हाथ में जो डिवाइस है उसको देखता है। फिर उसको बताया जाता है कि इथन के पापा डॉक्टर रिचर्ड व्हाइट ने 20 साल पहले ये प्रोजेक्ट को शुरू किया था और ये एक टाइम मशीन है जिसको क्रॉनिकल कहते हैं। जब पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था और एक रेडियो एक्टिवेटेड सिग्नल भेजा गया था जानने के लिए कि दूसरी तरफ क्या है, तो पता चला कि 407 साल बाद 2474 में पृथ्वी में बहुत सारा ऑक्सीजन मौजूद रहेगा। पर वहां से जब रेडियो सिग्नल वापस आया, तब उसको डिकोड करके पता चला उस पे लिखा था इथन व्हाइट को भेजो। इथन बहुत ही कंफ्यूज्ड और आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि रेजीना और उसका पूरा टीम इथन को फ्यूचर में भेजना चाहते हैं और इथन अपनी बीमार वाइफ को छोड़ के फ्यूचर में जाना नहीं चाहता है। जूड इथन को सलाह देता है कि उसे फ्यूचर में जाना चाहिए इंसानियत को बचाने के लिए। इसके जवाब में इथन कहता है कि वो अपने पापा की तरह नहीं बनना चाहता है। इथन अपने पापा से नफरत करता था क्योंकि वो कभी भी अपने फैमिली को टाइम नहीं देते थे। 20 साल पहले जब इथन का पापा चले गए थे, तब इथन के मम्मी को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए छोड़ के गए थे। फिर उसके बाद उसके माँ भी गुजर गई थी, तभी से वो जूड को ही अपना भाई और बेस्ट फ्रेंड मानता है। हालांकि जूट ने ये बोला कि अगर तुम अपनी बीवी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें फ्यूचर में जाना ही होगा। तभी इथन पुरानी यादों को सोचता है, जहां उसके पापा इथन के 8वीं बर्थडे पे एक अजीब सा बॉक्स लाता है, जिसके अंदर हाथ डालते ही एक बैंगल जैसा कुछ उसके हाथ में अटक जाता है और ब्लड निकल के आता है। रिचर्ड तभी उसको एक परमानेंट हैंड डिवाइस दिया था, पर आज भी इथन को पता नहीं है कि उसका काम क्या है। घर आके इथन अपनी बीवी को सब एक्सप्लेन करता है और उसकी बीवी भी उसको जाने के लिए कहती है। अगले दिन इथन जैंथी जहां सोई थी उसके पास लिख के जाता है कि आई विल फाइंड माई वे बैक टू यू, और इथन रेजीना के ऑफिस जाता है और कहता है कि अगर एक भी क्योर इथन को मिलता है तो वो उसकी बीवी के लिए होगी। रेजीना मान जाती है और उसके बाद लैब में डॉक्टर इथन को सूट दिखाता है जिसको उसे ट्रेवल करने से पहले पहनना पड़ेगा। डॉक्टर पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करता है, तो इथन को पता चलता है कि उन लोगों के पास एक्चुअली कोई प्लान है ही नहीं, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है कि इथन वहां जाके क्या करेगा और किससे मिलेगा। उसके बाद इथन को सूट में डाला जाता है और आर्ची नाम का एक डिवाइस दिया जाता है जो इथन को हर वक्त मॉनिटर करेगा। इसके बाद इथन मशीन के अंदर जाता है और सीधा जाके 2474 में जाके गिरता है एक जंगल में। इथन उठता है और प्रकृति का सुंदरता देख के मदहोश हो जाता है। पेड़ और नेचुरल ऑक्सीजन वापस आ चुका था। फिर वो उस तरफ जाता है जहां पर आर्ची उसे जाने के लिए कहता है। उसे वहां पर एक बंकर दिखता है और उसके साइड पे एक स्केलेटन भी। स्केलेटन के माथे पे एक बुलेट का छेद था और पास में एक ड्रेस था जिसमें इथन का ही नाम लिखा था, और वहां पर उसे आर्ची का भी स्केलेटन मिलता है। वो उसमें लास्ट रिकॉर्डिंग प्ले करता है। रिकॉर्डिंग पर एक आदमी बोलता है एक यही रास्ता है, और इथन को गोली मार देते हैं। उसके बाद उस डिवाइस का पावर ऑफ हो जाता है। फिर वो देखता है स्केलेटन के हाथ में इथन के जैसा ही एक डिवाइस है, पर वहाँ रेड लाइट जल रहा था। रात में इथन आग जलाता है और कुछ जंगली फल खाता है। उसके बाद इथन उल्टी कर देता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसका आँख खुलता है, तब दिखता है कि जूड उसके सामने है। असल में लैब से पता चलता है कि वो बेरीज पॉइजनस था और उसे खाके इथन का वाइटल्स ड्रॉप कर रहा था। तभी मेडिसिन के साथ जूड को वहाँ पे भेजा जाता है। कुछ देर बाद दोनों देखते हैं कि इथन के स्केलेटन अभी भी वहाँ पर है। फिर आर्ची की मदद से एक दूसरा दरवाजा ढूंढा जाता है।
दरवाजे का स्कैनर एथन को स्कैन करता है और अंदर जाने देता है। अंदर एक कंप्यूटर खुल जाता है। कंप्यूटर उनसे डीएनए का सैंपल के लिए पूछता है तो एथन मान जाता है। तभी वो हाथ का डिवाइस काम करने लगता है और एथन के हाथों से खून आने लगता है। ब्लड टेस्ट के बाद वो डिवाइस का लाइट रेड हो जाता है और वहाँ का सारा लाइट जल जाता है। फिर पता चलता है कि वो क्रॉनिकॉर्प का ही लैब है 407 साल के बाद। वहाँ पर टाइम मशीन भी मौजूद था, तो जूट को लगा कि वो लोग इसी से वापस जा सकता है, पर एथन को ऐसा नहीं लगता है कि वो वापस जा सकते हैं। उसके बाद समझाया जाता है कि टाइम मशीन इसीलिए बनाया गया था ताकि फ्यूचर से डेटा और ऑक्सीजन लाया जा सके। पर जब एथन के पापा पहली बार टाइम मशीन स्टार्ट किया था तो एक मैसेज आया था कि एथन को फ्यूचर भेजो। एथन के पापा मान जाते हैं और कंफर्म करने के लिए बचपन में ही एथन का ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेता है। हालांकि अभी जूट को नहीं लगता है कि वो वापस जा सकता है, क्योंकि 407 सालों से टाइम मशीन यहाँ है तो मशीन का बैटरी लगभग खत्म हो गया है। तभी लैब से कुछ सिग्नल आता है कि अगले 4 घंटे में न्यूक्लियर एक्सप्लोशन होने वाला है। इसका मतलब दोनों को अभी 4 घंटे के अंदर टाइम मशीन को सही करके वापस जाना होगा। बाहर दिखता है एक एक शहर पेड़ों से घिरा हुआ है। इसका मतलब सब इंसान मरने के बाद नेचर खुद को हील करने लगा है। एथन खुद का घर जाता है और वहाँ पर उसकी वाइफ की स्केलेटन मिलता है। जूट वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि फ्यूचर में भी वो बीमारी का कोई इलाज नहीं है। किसी तरह एथन को शक होता है और वो फिर से आर्ची का वॉइस प्ले करता है और समझ जाते हैं कि वो जूट की ही वॉइस है, और जूट तभी एथन की तरफ बंदूक ताक देता है। जूट तब बोलता है कि पहले टाइम मशीन को ठीक किया जाए, तो फिर दोनों मिलके टाइम मशीन को लैब में आके ठीक करते हैं। दोनों अभी पास्ट में वापस जा सकते हैं, पर उसके लिए दोनों को 37 मिनट्स तक वेट करना पड़ेगा पोर्टल लॉन्च होने तक। हालांकि तब भी एथन को खुद का स्केलेटन दिखता है और वो समझ जाता है कि फ्यूचर को अभी भी वो चेंज करने में असफल रहा। तो सीक्रेट जानने के लिए वो अपने हाथ का बैंड का बैटरी को खोल के स्केलेटन वाला बैंड में लगाता है। तब एथन को एक वीडियो मिलता है जहां पर दिखाई देता है कि जूट एथन को मार देता है। तब जूट बोलता है कि फ्यूचर को बदलना मुश्किल है, पर वो कोशिश कर रहा है ताकि एथन को बचा सके। पर एथन जूट को विश्वास नहीं करता है और उसको एक रूम में लॉक कर देता है। एथन और वीडियोस देखता है जहां रेजिना से एथन के पापा बोल रहा है कि वो फ्यूचर जाके बीमारी का इलाज ढूंढना चाहता है, पर वो ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर यहां से भाग जाना चाहता है फ्यूचर में, बाकी लोगों को मरने के लिए छोड़ के। वहीं पर क्रॉनिकॉर्प से मतभेद होता है और एथन के पापा टाइम मशीन को एथन के डीएनए से लॉक कर देता है। उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन एथन के पापा को मार देता है और जूट को ऑर्डर देता है एथन के मम्मी को मार के उसका गार्जियन बन जाने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में एथन का हाथ का वो बैंड ही इस ऑर्गेनाइजेशन का काम आएगा फ्यूचर जाने के लिए। एथन बहुत ही शॉक्ड था क्योंकि इतने दिनों से वो जिसको अपना भाई मानते आया हुआ है वही उसके माँ को मारा है और उसको भी मारना चाहता है। एथन अब टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि एथन को पता है ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है। अगले सीन में जूट एथन को बताता है कि जूट को यहाँ पर भेजा गया था ये एंश्योर करने के लिए कि एथन टाइम मशीन के पावर स्टेशन को ठीक करे। जब एथन टाइम मशीन को एक्टिव करेगा तभी जूट उसको मार देगा। हालांकि इतने साल एक साथ रहने के बाद एक इमोशनल बॉन्ड हो गया था। जूट एथन को मारने में गिल्ट फील कर रहा था, तो उसने एथन की जगह खुद को ही गोली मार दिया। एथन अब एथन के पापा का सपना पूरा करना चाहता था इलाज ढूंढ के, ताकि सभी लोगों का बीमारी ठीक हो सके। तभी वो कंप्यूटर के सामने जाता है और उसे पता चलता है कि एथन को भेजो ये वाला मैसेज खुद उसके पापा ही भेजे थे। तभी दिखाया जाता है कि पास्ट के लैब में कुछ चुनिंदे लोग लाइन पे खड़े हैं और वेट कर रहे हैं टाइम मशीन स्टार्ट होने के लिए। पर मशीन के थ्रू कुछ पेड़ और उस वीडियो का कॉपी वापस आता है जिसमें दिखाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ने ही एथन के पापा को मारा था। उसके बाद टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। जो पेड़ फ्यूचर से भेजे गए थे उसको यूज करके नेचर को फिर से पहले जैसा करने में सभी जुड़ जाते हैं। एथन उसकी वाइफ को भी एक फ्लावर भेजा था। उसकी वाइफ मान लेती है कि एथन अब फ्यूचर में ही रहेगा और इस डिसीजन को समझती भी है। फिर एथन को दिखता है कि उसका स्केलेटन जो था वो अब नहीं रहा। उसके बाद बाहर देखता है तो फ्यूचर बिल्कुल बदल गया है और उसे एक फ्यूचरिस्टिक इको फ्रेंडली सिटी दिखाई देता है। पहले जैसा जंगल से घिरा हुआ बिल्डिंग अब नहीं है। एथन का डिसीजन पूरा इंसानियत को बदल देता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म होता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या होता है जब हिटलर 21वीं सदी में वापस आते हैं, तो फिर राइट वाले वीडियो पर क्लिक करें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोज ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।